सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम भारतीय विद्यापीठ की, दिल्ली की, जो आपका आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, ठीक है। इसके जो स्टार्टिंग के टॉप फोर कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका USICT हुआ या फिर आपका महाराजा अग्रसेन हुआ, तो उसके बाद आपका भारतीय विद्यापीठ और महाराजा सूरजमल आते हैं। इन दोनों का यार एक ही रैंक में लगभग लोग रखते हैं, तो जिसका मतलब है कि आपका तीसरे नंबर का कॉलेज जो है वो आपका भारतीय विद्यापीठ है, राइट। अगर ये हम न्यू दिल्ली वाले कैंपस की बात करेंगे, हम पुणे वाले कैंपस की बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। इस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1999 में यार ये एस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, भारतीय विद्यापीठ जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपका पश्चिम विहार न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसके आसपास आपको काफ़ी सारे मॉल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। अगर हम इसमें बात करें यार एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया की, तो आपको 12th क्लास पास होना पड़ेगा, ठीक है, CBSE या फिर किसी और बोर्ड से, जिसमें आपके 55% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिलाकर, राइट। और आपके सारे सब्जेक्ट्स में आप पास भी होने चाहिए, और आपको एडिशनली इंग्लिश में भी पास होना पड़ेगा, राइट। और अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया देखें तो आपको यार JEE मेंस का पेपर 1 देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इसमें अलग से काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा, IPU CET की जो काउंसलिंग होती है, और कुछ CET 131 करके कोड होता है BTEC का, तो आप उसमें अप्लाई करेंगे और फिर इनकी काउंसलिंग होगी और उसके बाद आपका इसमें एडमिशन हो रहा होगा। अगर हम इसके कोर्सेज की बात करें तो आप में यार यहाँ पर कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाती है, IT देखने को मिल जाती है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है। अब CS में आपकी 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 180 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 120 और वैसे आपकी 60 सीट है। लेटरल एंट्री की सीट्स यार यहाँ पर गिवन है, आपकी 12 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस में, 18 सीट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, IT में आपकी 12, आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 और आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 6 सीटें आपकी लेटरल एंट्री में आपकी दे रखी है। लेटरल एंट्री होती है जो आपके बच्चे डिप्लोमा करके सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे थे उसको लेटरल एंट्री बोल देते हैं। अगर हम बात करें यार यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की, तो अगर आप देखें तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर ही आपके जो फीस थी वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों की थी, लेकिन आपकी फीस भी इसी के अराउंड रहेगी, ये 2021 से 22 वाले बैच की है। अगर हम देखें सेकंड ईयर वालों की, तो 117,000 आपको ट्यूशन फीस लग रही थी, आपकी एक्टिविटी फीस 1,000 और ये आपकी 15,000 यूनिवर्सिटी शेयर वगैरह कुछ लग रहे थे, तो टोटल फीस 133,000 आपको पड़ रही थी, राइट। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो इतनी आपको फीस पड़ेगी। बात करें हॉस्टल की, तो आपको पर सेमेस्टर वही 45,000 से 50,000 का हॉस्टल लगता है, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इस वजह से, तो आपका 45,000 से 50,000 का हॉस्टल मान के चलो, 1.5 लाख रुपए यहाँ पर मान के चलो, तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लग रहे होंगे, जिसका मतलब है 10 से 12 में आपका, मतलब 10 से 11 लाख में आपका BTEC यहाँ पर हो रहा होगा। अगर हम बात करें यार यहाँ पर प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड की, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम देख लेते हैं। टॉप 5 रिक्रूटर्स जो आपके कंपनी के लास्ट ईयर्स में, वो आपके TCS है 93 लेके जाती है, 2018 में लेके गई TCS 63, फिर 19 में लेके गई 100, 2020 में लेके गई 113 और 2021 में लेके गई 181 बच्चों को। इसका मतलब है यार कि TCS एक यहाँ पर मास रिक्रूटर है। मास रिक्रूटर यार वो कंपनी होती है जो आपको पैकेज देती है 3.5-4 लाख का, और बच्चे काफ़ी सारे यहाँ सर उठा के लेके जा रही होती है, राइट। अगर हम बात करें यार फिर और कंपनीज़ का है जो आपके टॉप कुछ रिक्रूटर्स में इनके आ रहे हैं, या आप स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हो। अगर हम नीचे चले तो एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज देखें, तो लास्ट 3 ईयर्स का 2018-19 में था 3.5 लाख और हाईएस्ट था 17 लाख, ठीक है। 2019 से 20 में आपका लगभग 4.5 लाख के आसपास हो गया एवरेज, और हाईएस्ट हो गया 19 लाख। और बात करें आपकी 2020 से 21 में, तो 4.5 का एवरेज ही रहा और आपका 28 लाख हाईएस्ट हो गया, जिसका मतलब 28 लाख आपका हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज आपका 4.5 लाख के आसपास बन जाता है। अगर हम देखें कौन कौन सी कंपनी कितना ऑफर करती है, तो यहाँ पर देखो असेंचर आपको 6.5 देती है, अमेजोन आपको 15.5 के आसपास देती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी कंपनी देखोगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपकी गोल्डमैन सैक्स भी थी, मैं वही देख रहा हूँ। तो यार यहाँ पर पैकेज नहीं दिया हुआ, लेकिन गोल्डमैन सैक्स भी आपकी आती है, क्योंकि अगर हम आर रिक्रूटर्स में जाएंगे तो आपकी अडोब आ रखी है, ठीक है, असेंचर का हमने देख लिया। बाकी कंपनीज के अगर आपको देखने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15.5 लाख अमेजोन ने दे रखे थे, 4.5 लाख आपके EY ग्लोबल ने दे रखे हैं लगभग, तो आप ये देख सकते हैं। 7 लाख आपका ऑस्मोसिस, आपके कैपजेमिनी वगैरह, ये सब कॉग्निजेंट वगैरह आ रही होती है, राइट। यहाँ पर आप स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हो। अगर हम रिक्रूटर्स देखें तो आपके यहाँ पर अडोब, एसेंचर, अमेजोन, और अगर हम नीचे देखें तो गोल्डमैन सैक्स आपकी देखने को मिल जाती है। ये सारी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, इन्फोसिस हो गई, तो यहाँ पर आप आर रिक्रूटर्स भी स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। अगर हम बात करें यार यहाँ पर
आपकी कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ्स यहाँ पर यार दिल्ली रीजन और आउटर दिल्ली रीजन यहाँ पर लग रहा होता है। तो पहले हम दिल्ली रीजन की देख लेते हैं राउंड थर्ड की, इसके बाद स्पॉट राउंड्स भी होते हैं, तो आपकी रैंक्स और पीछे तक भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो दिल्ली में यार अगर ओपन की बात करें तो जो आपके ऊपर लिखे हुए ये कोड OPNOHS NODFHS, तो बिल्कुल एंड में अगर PDF के आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको ये कोड दे रखे हैं, आप ये कोड स्क्रीन पॉज करके अभी ही देख सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर आपको बता ही रहा हूँ वैसे। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो कट ऑफ लिस्ट थी, तो अगर हम देखें भारतीय विद्यापीठ, ये रहा आपका, यहाँ पर आपका 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। और ओपन कैटेगरी में देखें तो आपकी भारतीय विद्यापीठ की ओपन कैटेगरी में आ रखी है मिनिमम रैंक 26 रैंक और मैक्सिमम आपका 69,000 तक इसमें हो रहा था, मतलब अप्रॉक्स 69,646 तक आपकी क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। अगर हम देखें SC कैटेगरी में तो आपकी 86 से स्टार्ट हुई थी और आपकी 3,66,000 तक आपकी लगभग गई थी, राइट। ST कैटेगरी का थर्ड राउंड का अवेलेबल नहीं है, वो पहले ही क्लोज हो गया होगा। अभी जो हमने बात करी यार वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच की करी थी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की करें तो आपकी ओपन कैटेगरी में क्लोज हो गई थी लगभग 2,37,000 तक गई थी और आपकी SC कैटेगरी में 7,12,000 तक चली गई थी इसकी रैंक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें शिफ्ट वन और शिफ्ट टू होती है यार कॉलेज में, तो शिफ्ट वन मतलब मॉर्निंग शिफ्ट और शिफ्ट टू मतलब शाम की शिफ्ट होती है। तो अगर हम देखें तो 151,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच गई थी और 7,71,000 पे SC कैटेगरी में क्लोज हो गई थी, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपकी लगभग 83,000 तक क्लोज हो गई थी और आपकी SC कैटेगरी में 5,17,000 के आसपास तक इसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें आपकी शिफ्ट वन की तो 4,33,000, ये तो आपकी डिफेंस पे है। ओपन कैटेगरी में देखें तो 32,000 के आसपास क्लोज हो गई थी, सॉरी 3,25,000 तक गई थी, 3,25,000 पे क्लोज हुई थी जाकर। बात कर लेते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन की, तो आउटसाइड दिल्ली रीजन में अगर हम देखें भारतीय विद्यापीठ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ओपन कैटेगरी में देखें तो आपकी 42,000 तक क्लोज हो गई थी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में और आपकी 1,46,000 तक गई थी, 1,46,000 तक गई थी SC कैटेगरी में और 3,10,000 तक गई थी आपकी ST कैटेगरी में, ये थी कंप्यूटर साइंस की। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपकी 77,000 के आसपास तक क्लोज हो गई थी ओपन कैटेगरी में और SC कैटेगरी में 4,00,000 के आसपास तक क्लोज हो गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 64,000 तक गई थी आपकी जनरल कैटेगरी में और आपकी 3,50,000 तक गई थी SC कैटेगरी में। इसी तरह से यार आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखें तो आपकी यार क्लोज हो गई थी 47,000 के आसपास तक ये जनरल कैटेगरी में और 2,14,000 तक गई थी SC कैटेगरी में। अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग तो आपकी 92,000 तक गई थी, ये हम बात कर रहे हैं यार आउटसाइड दिल्ली रीजन की, राइट, अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं तो। और आपकी 5,64,000 यहाँ पर SC कैटेगरी में क्लोज हुई थी ये कैटेगरी। अब आउटसाइड दिल्ली और इनसाइड दिल्ली यार जो बच्चे जिन्होंने 12th या फिर जिनके पेरेंट्स का डोमिसाइल दिल्ली का है वो आपके इनसाइड दिल्ली में कंसिडर करे जाएंगे और जो आउटसाइड दिल्ली के हैं वो आउटसाइड दिल्ली मतलब जिनके पास डोमिसाइल नहीं है या 12th उन्होंने जहाँ जिन्होंने 12th आपकी दिल्ली से नहीं करी वो आपके आउटसाइड दिल्ली में आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको यार थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर हो रहा होगा। और यार IPU में जो आपकी OBC रैंक होती है वो आपकी कंसिडर नहीं करी जाती है, OBC को एज ए जनरली ही ट्रीट किया जाता है, राइट। तो आपकी जो जनरल रैंक होगी उसी के बेसिस पे इसमें आपको एडमिशन मिल रहा होगा। अगर हम देखें फेस्ट वगैरह इस कॉलेज में, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो फेस्ट यार कुछ एक्सट्रेसी करके इनकी फेस्ट होती है जो कि एक काफ़ी अच्छी होती है। इसमें इवेंट्स जो होते हैं आपके फोटोग्राफी का भी होता है, डांस का भी होता है, सिंगिंग का भी होता है, ठीक है, और देख तमाशा देख स्टेज प्ले होता है आपका, स्ट्रीट डांस होता है आपका, ठीक है, बैटल ऑफ बैंड, फैशन शो, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इस जो आपकी इनकी टेक फेस्ट है उसमें हो रही होती है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो इवेंट्स के फोटोग्राफ ले रखे हैं लोगों ने कि भाई कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करें स्पोर्ट्स की तो आपको काफ़ी स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स हुआ, टेबल टेनिस हुआ, कैरम हुआ, और भी जो भी इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो फोटो दे रखा है वो सिर्फ क्रिकेट का दे रखा है, आई डोंट नो वाई, बट स्पोर्ट्स आपको बाकी सब भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये था यार इस कॉलेज का रिव्यू, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट हम लाते रहते हैं और जेईई मेंस आने वाला, तो किसी भी तरह की आप कोई भी न्यूज़ कोई भी कॉलेज मिस ना कर दो, तो फटाफट बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। मिलते हैं यार अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।